सोलहवीं शताब्दी का वो दौर जब मुगल सम्राट बाबर अपनी सल्तनत का वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था और लगभग पूरे उत्तरी भारत पर अपना वर्चस्व कायम करने में सफल भी हो गया था। पर फिर भी निचले दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य भी था जो पूरी तरह से स्वतंत्र और संपन्न माना जाता था और वो था विजयनगर, जिसके राजा थे महान और सर्वश्रेष्ठ शासक श्री कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय युद्ध की दुबल रणनीति बनाने में सक्षम थे। इनकी पहचान धर्म के प्रति अपार श्रद्धा और कला के प्रति असाधारण प्रेम की दीवानगी था। और इस राज्य के प्राण माने जाते थे महामंत्री तिमारसु, जिनका श्री कृष्णदेव राय बेहद सम्मान करते थे और उन्हें अपने पिता तुल्य मानते थे। राज पुरोहित तथाचार्य धूत लालची मौकापरस्त विजयनगर राज्य के दरबार का वो काला धब्बा जिसका काम केवल छल कपट और सियासत खेलकर अपना स्वार्थ पूरा करना था। पर फिर भी राजा कृष्णदेव राय के बेहद विश्वास पात्र और पूरे विजयनगर के लिए एक महान और सम्मानित शख्सियत। पर कोई था जो राजा देव राय को न सिर्फ तथाचार्य जैसे धूर्त और पाखंडी अंदरूनी दुश्मनों से बचाने वाला था, बल्कि विजयनगर राज्य की भी बाहरी अज्ञात शत्रुओं से रक्षा करने वाला था। और वो शख्स था पंडित रामकृष्णा, जिसे इतिहास तेनाली राम के नाम से भी जाना करता है, जिनकी चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। पंडित रामकृष्णा राजा देव राय के दरबार में कवि, मुख्य सलाहकार और राजा के अष्ट दिग्गजों में से एक थे, जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धि कौशल के लिए जाने जाते थे। राजा का उनके प्रति मित्रता का भाव देखकर कुछ दरबारी उनसे ईर्ष्या भी करते थे। और इस सूची में जो नाम सबसे अव्वल था वो था राजगुरु तथाचार्य का। तथाचार्य हर बार उनके लिए विकट समस्याएं उत्पन्न करते थे। परंतु रामा से हर बार उन्हें शिकस्त ही मिलती थी। पंडित रामा यानी कि तेनाली राम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और इतिहास उन्हें सदैव स्मरण रखेगा और सराहेगा भी।